नमस्ते, मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का हमारे चैनल पे दोस्तों स्वागत है। 42 साल की उम्र में अक्सर क्रिकेटर रिटायर होकर अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं या फिर कमेंट्री कर रहे होते हैं, किसी और प्रोफेशन में चले जाते हैं। लेकिन एमएस धोनी, जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान और लेजेंड एमएस धोनी इस समय वानखेड़े स्टेडियम में आज भी जलवा दिखा रहे हैं। जी हाँ, आज एमएस धोनी ने लगातार 3 छक्के मारे। 20वें ओवर में हार्दिक पांड्या की गेंद पर उन्होंने 4 गेंदों में 20 रन की पारी खेली। और दिलचस्प बात यह है कि आज का मुकाबला जो सीएसके और मुंबई इंडियंस के बीच में खेला जा रहा था, एग्जैक्टली 20 रन से ही मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। मुंबई और चेन्नई की राइवलरी सबसे ज्यादा मशहूर है। ऐसा कहा जाता है कि आईपीएल में इससे बड़ी राइवलरी और कोई हो ही नहीं सकती है। दोनों टीमों ने 5-5 आईपीएल खिताब अपने नाम किए हुए हैं। दोनों बड़ी टीम है, एक रोहित शर्मा की टीम तो एक एमएस धोनी की टीम। हालांकि रोहित शर्मा इस समय कप्तानी नहीं कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या टीम की कप्तानी कर रहे हैं मुंबई इंडियंस की, और दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ सीएसके की कमान संभाल रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर सभी को पता है कि मैदान पे जब जाता है तो सीएसके की तरफ से धोनी ही कप्तान करते हैं। और कुछ हद तक अब देखकर ऐसा लग रहा है कि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच तल्खियां कुछ हद तक ठीक हो गई है। आज चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों ने, शिवम दुबे ने भी अच्छी पारी खेली। और दिलचस्प बात यह रहा कि जो फैंस, जो मुंबई इंडियंस के पुराने फैंस रोहित शर्मा को कप्तानी करते हुए देखना चाहते थे, आज उनको रोहित शर्मा की शानदार बल्लेबाजी भी देखने को मिली है। 60-61 बॉल पे रोहित शर्मा ने आज शानदार शतक भी लगाया। हालांकि उन्होंने इस सेलिब्रेशन को दिल पे नहीं लिया, सेलिब्रेट नहीं किया, शतक बनाया लेकिन सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि रोहित शर्मा खुद जानते थे कि सेलिब्रेट ऐसा पर्सनल माइलस्टोन थोड़ी खेलनी है, क्योंकि उनकी टीम ने मुकाबला नहीं जीता। वैसे इस मुकाबले में धोनी और रोहित शर्मा दोनों के लिए खास रहा। दोनों ने अपने अपने पर्सनल माइलस्टोन भी पूरे किए, जैसे कि 250वां T20 मुकाबला एमएस धोनी खेल रहे थे, वही रोहित शर्मा ने अपने T20 करियर में 500 छक्के जड़ने का भी रिकॉर्ड कायम किया। साथ में उन्होंने T20 करियर का 8वां शतक भी लगाया। अफसोस की बात यह रही कि मुंबई इंडियंस को वो मैच नहीं जीता पाए। दूसरी तरफ अगर एमएस धोनी की मैं बात करूं तो 42 साल की उम्र में उनका मैदान पर होना ही इस बात का देता है कि धोनी कितने बड़े लेजेंड है और उनके आगे सब फीके पड़ जाते हैं। आज वानखेड़े स्टेडियम में जब एमएस धोनी बैटिंग करने के लिए उतरे तो पूरा स्टेडियम जो है येलो येलो ही था। यानी कि जो है मुंबई इंडियंस के फैंस थे, उन्होंने भी ऊपर से एमएस धोनी की जर्सी चढ़ा रखी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि आखिरकार थाला का तो हर कोई फैन है ही। हालांकि इनिंग्स खत्म होने के बाद सबने उतार भी लिए, लेकिन यही तो रिस्पेक्ट है जो एमएस धोनी ने कमाया है। शायद यह आखिरी बार था जब एमएस धोनी वानखेड़े के मैदान पर उतरे। वानखेड़े से याद आ जाता है कि एमएस धोनी ने साल 2011 में इसी मैदान पर छक्के मारकर टीम इंडिया को विश्व कप खिताब जिताया था। और जब आखिरी बार आज एमएस धोनी मैच खेलने के लिए उतरे तो आईपीएल में उन्होंने भी इसी तरीके से फिनिश किया, यानी 3 लगातार छक्के और उसके बाद आखिरी गेंद पर 2 रन, 4 गेंदों में 20 रन, और यही नतीजा रहा मैच का। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 रन से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।